असम और मिजोरम की हिंसा को लेकर ओवैसी ने अमित शाह पर तंज कसा है और कहा है कि दौरे के बाद इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। कल असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर बड़ी हिंसा हुई है। असम पुलिस के 5 जवान इस हिंसा में शहीद हो गए, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। इस हिंसा को लेकर अब विपक्षी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर हिंसा को लेकर तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि मिजोरम और असम सीमा पर अचानक हिंसा इतनी बढ़ गई कि असम पुलिस के 6 कर्मी शहीद हो गए और कई लोग घायल भी हो गए। 24 और 25 जुलाई की बात है कि वजीर दाखला ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का दौरा किया था, जहां उन्होंने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे थे। अमित शाह के दौरे के फौरन बाद इतनी बड़ी घटना कैसे घटी? बता दें कि पूर्वोत्तर के 8 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में अमित शाह ने सीमा विवादों को सुलझाने की आवश्यकता को रेखांकित किया था, जिसके 2 दिन बाद ये घटना सामने आई है। घटना के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरम गांथा के साथ टेलीफोन पर अलग अलग बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे अंतर्राज्यीय सीमा पर शांति बनाए रखने को कहा। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि सीमा विवाद को आपसी सहमति से हल करें। दोनों मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री को आश्वासन दिया कि शांति सुनिश्चित करने और सीमा मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मिजोरम का आरोप है कि असम पुलिस के जवानों ने आम नागरिकों पर फायरिंग की और असम का आरोप है कि मिजोरम के लोगों ने गोलीबारी की। आपको क्या लगता है कि ओवैसी ने जो अमित शाह पर तंज कसा है, उनका ऐसा कहना सही है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर।